और अल्लाह ने जो साख्त हमारी बनाई है हमें हक नहीं, इजाजत नहीं कि हम उसको अपनी मर्जी से बिगाड़ें। तो इसलिए चेहरे पर परमानेंट किस्म का चेंज, अपनी मर्जी से उसमें तब्दीली, खा वो टैटूज की शक्ल में हो, खा वो परमानेंटली भवे बनाने की शक्ल में हो, इससे इज्तनाब करना चाहिए। तो अलखमा कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने खूबसूरती के लिए गोदने वालियों, चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों और सामने के दांतों में कुशादगी पैदा करने वालियों को, जो अल्लाह की तखलीक में तब्दीली करती है, उन सब पे लानत भेजी। तो मैं याकूब ने कहा कि ये क्या बात हुई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, आखिर मैं क्यों ना उन पे लानत भेजूं जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है और किताबुल्लाह में उस पर लानत मौजूद है। उम्मे याकूब ने कहा, अल्लाह की कसम मैंने पूरा कुरान मजीद पढ़ डाला है और कहीं भी ऐसी कोई आयत मुझे नहीं मिली। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, अल्लाह की कसम अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम्हें जरूर मिल जाती। क्या तुमको ये आयत मालूम नहीं, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो तुमको रसूल दे वो ले लो और जिससे वो रोके उससे रुक जाओ। तो यहां पर लफ्ज नम्स आया है, नामिसात, नून अलिफ मीम सौद, नामिस। तो चेहरे के बाल उतारने के लिए लफ्ज नामिसा आता है। नम्स का माना अहले लुगत ने बालों को उखाड़ना किया है और नमाज का मतलब है मोचने वगैरह के साथ चेहरे के बाल उखाड़ना। इब्ने असीर ने अन्नहाया में कहा है कि नामिसा वो औरत होती है जो अपने चेहरे के बालों को उखाड़े। ये अजीनतुल मरअ किताब लिखी है अब्दुल्ला बिन साले अल फौजान ने, उन्होंने इब्ने असीर को कोट किया है। हाँ, बीमारी की वजह से चेहरे के जायद बाल उतारने की रुख्सत है। सुनन नसाई की रिवायत है, हारिस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, सूद के गवाह पर, सूद लिखने वाले पर, गोदने वाली पर और गुदवाने वाली पर, यानी टैटूज बनाने वाली पर। एक आदमी ने कहा कि अगर मर्ज की वजह से हो, यानी कि कोई ऐसी चीज हो बीमारी की वजह से, तो आपने फरमाया कि हाँ फिर ठीक है। यानी अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से खवातीन के बाल मर्दों की तरह चिन पर या अपर लिप्स या लोअर लिप्स पर हो तो उस सूरत में उनको उतारने की इजाजत है, लेकिन पूरा पूरा चेहरा जो है उसको छील डालना या फिर ये कि भवों की शेप बनाना, ये दुरुस्त नहीं है।